दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये हमारे पास है Redmi का मोबाइल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस मोबाइल का स्क्रीन लॉक कैसे तोड़ा जाता है, यानी पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक अगर आप पूरी तरह से भूल चुके हो तो कैसे इस मोबाइल का आप स्क्रीन लॉक तोड़ोगे, यानी इस मोबाइल को हार्ड रीसेट करोगे, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बस जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं वही स्टेप आप फॉलो कर लीजिए, 100% दोस्तों आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक टूट जाएगा। तो पहले नंबर पे पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करिए, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका मोबाइल स्विच ऑफ मोड पर आ जाएगा, तो यहां से आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए। जब आपका मोबाइल पूरी तरह से दोस्तों स्विच ऑफ हो जाए उसके बाद यहां पर आपको करना क्या है ये ध्यान से आपको समझना है। आपके मोबाइल में यहां पर पावर बटन मिलेगी और वॉल्यूम की ऊपर वाली बटन मिलेगी, ठीक है। तो आपको 2 सेकेंड पहले आपको पावर बटन दबाना है, उसके बाद जस्ट 2 सेकेंड के बाद तुरंत वॉल्यूम की ऊपर वाली आपको बटन दबाना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देखना, मैंने पावर बटन को दबाया और ऊपर वॉल्यूम की बटन को दबा दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर आपको दबाकर रखना है जब तक यहां पर दूसरा इंटरफेस नहीं आ जाता है। तो मैं यहां पर दोस्तों इस प्रकार से दबाकर रखता हूं। अब यहां पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ रहा है आपके सामने। अब फ्रेंड्स यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर बैक टू मेन मेन्यू लिखा हुआ है, अगर इस पर आप वॉल्यूम की नीचे वाली बटन को दबा के आएंगे और पावर बटन आपको आपको दबा देना है, ठीक है। अगर इस तरह का इंटरफेस आता है तो काफी अच्छी बात है, अगर उस तरह का इंटरफेस आता है तो आप बैक आ जाना, ठीक है। उसके बाद यहां पर वाइप डाटा लिखा हुआ है, तो आपको ये जो पावर वाली बटन दिख रही है, सॉरी दोस्तों वॉल्यूम की नीचे वाली बटन जो दिख रही है इसको आपको दबाना है इस प्रकार से। उसके बाद वाइप डाटा पर आ जाएंगे आप, उसके बाद पावर बटन को आपको एक बार इस प्रकार से दबाना है, ठीक है। वाइप ऑल डाटा का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम की नीचे वाली बटन से आपको आना है, पावर बटन को आपको दबाना है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहां पर नीचे की तरफ कंफर्म दिख रहा होगा, तो वॉल्यूम की नीचे वाली बटन को दबाएंगे, कंफर्म के ऑप्शन पर आएंगे, पावर बटन को आपको इस प्रकार से दबा देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद यहां पर बैक टू मेन मेनू लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको पावर बटन को इस प्रकार से दबा देना है इस प्रकार, ठीक है। अब रिबूट लिखा हुआ है, फिर से आपको पावर बटन दबा देना है, फिर रिबूट टू सिस्टम लिखा हुआ है, फिर से आपको पावर बटन दबा देना है। बस आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर 2-3 मिनट वेट कर लीजिए आप, उसके बाद आपका मोबाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, उसके बाद इस मोबाइल का आप फर्स्ट सेटअप कर सकते हो।